सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो थंबनेल देख के तो आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो ये हम लोग का आज का दार्जिलिंग राइड का फर्स्ट डे है, जहाँ पे हम लोग आज स्टे करने वाले हैं दवाई पानी में। सो आज जो हमारा जर्नी है वो है रायगंज टू दवाई पानी का। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द वीडियो। तो सुबह से हम लोग का जो साथी था, जो कि था बारिश, वो हम लोग को अप टू विधाननगर ही मिला था। विधाननगर के बाद हम लोग को वेदर बिल्कुल क्लियर और अच्छा मिला। मतलब बिल्कुल क्लियर मतलब क्लाउडी वेदर था लेकिन विदाउट एनी रेन। वहाँ से चलाने का मज़ा मतलब मज़ा ही आ गया उसके बाद से चलाने का, क्योंकि जब बारिश में हम लोग चला रहे थे तब हाथ में जो रेन ड्रॉप्स आ रहे थे ना, लग रहा कि कोई मतलब इंजेक्शन दे रहा है हम लोग का हाथ में, लग रहा है कि कोई सुई भोंक रहा है हम लोग के हाथ में, ऐसा मतलब क्या ही बोले। तो यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा अच्छा मिला वेदर, थोड़ा सा क्लियर मिला, जहाँ से हम लोग राइड करके और भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड मतलब राइड किए। सो स्टे ट्यून्ड, मोर थिंग्स टू कम एंड टिल नाउ इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गो। तो सिलीगुड़ी में लेट से घुसने का जो नतीजा है वो अभी हम लोग को भुगतना पड़ रहा है वहाँ पे खड़ा होके। तो चलो देखते हैं कितना देर तक भुगतना पड़ता है। 2000 years later. तो दार्जिलिंग और दवाई पानी का जो रूट है वो दोनों सेम ही है। गाड़ीधुरा मोड़ से अगर आप लोग सीधा जाते हो उस तरफ तो आप लोग को मिरिक मिल जाएगा, और अगर आप लोग राइट लेते हो तो इट विल गो टुवर्ड्स द दार्जिलिंग। सो लेट्स गो। तो जाते वक्त हम लोग को जैसा दिख रहा था ऊपर का मौसम, मतलब फुल्ली ऑफ ब्लैक क्लाउड्स, हम लोग को तो लगा था कि मतलब आज ऊपर पूरा बारिश मिलने वाला है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था हम लोग के साथ। वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और सच में मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि काला बादल होते हुए भी हम लोग को इतना अच्छा वेदर मिल जाएगा। मतलब अच्छा मतलब क्या, विदाउट एनी रेन, टोटल क्लाउडी, यस टोटल क्लाउडी बट विदाउट एनी रेन। सो लेट्स एन्जॉय। इस बार हम लोग को वेदर तो क्लियर नहीं मिला, लेकिन जो व्यू, जो मतलब फीलिंग हम लोग को मिला ना, मतलब जस्ट अमेजिंग, जस्ट मेसमराइजिंग व्यूज़। इतना क्लाउड्स होने के बावजूद भी नो रेन, और इतना मतलब इतना मैजेस्टिक व्यू लग रहा था हम लोग को, मतलब जस्ट अमेजिंग व्यू। अभी हम लोग फिलहाल रुके हुए हैं कर्शियंग से थोड़ा आगे, जहाँ पे फर्स्ट आई लव कर्शियंग लिखा था, और जस्ट लुक एट द व्यू। तो फिलहाल हम लोग वहाँ से निकल गए और अपना जो मंजिल था दवाई पानी उस ओर चल लिए। तो दवाई पानी जाने के लिए हम लोग को फर्स्ट जाना था जोरबंगलो मोड़। जोरबंगलो से हम लोग को लेना था एक राइट टर्न, राइट टर्न होके फिर हम लोग को जाना था थर्ड माइल, और थर्ड माइल से फिर दवाई पानी। सो स्टे ट्यून्ड।
सो जोड़ बंगलो से राइट टर्न लेने के बाद हम लोग सीधा पहुंच गए थे थर्ड माइल, जहां पे हम लोग को मिला था थोड़ा सा बारिश। और यहां से हम लोग को जाना पड़ेगा सीधा। थर्ड माइल आने के बाद आप सबको तीन रास्ते मिलेंगे, एक सीधा, एक लेफ्ट और एक राइट। तो हम लोग को दोनों इग्नोर करके हम लोग को जाना है सीधा और टुवर्ड्स दवाई पानी। सो लेट्स गो। तो थर्ड माइल से ऊपर आने के बाद हम लोग को ये बोर्ड दिखेगा दवाई पानी का, और यहाँ से हम लोग को जाना है ऊपर। और ये जो सीधा रास्ता जाता है, ये जाता है टुवर्ड्स सिक्किम। सो वी हैव टू टर्न लेफ्ट एंड गो अपराइट टुवर्ड्स दवाई पानी। सो लेट्स गो। जिस होमस्टे में रुके थे उस होमस्टे का नाम था निर्वाणा होमस्टे, और वो रहा ये होमस्टे। तो चलो अंदर चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, वहाँ पे था हम लोग का रूम, और नीचे जो है, नीचे है डाइनिंग। तो वो रहा मेरा गाड़ी पैक्ड, और ये रहा और एक गाड़ी, ये भी फुल पैक्ड। रूम और ब्रश को थे चूल्हे चूल्हे बस और ये रहा बाथरूम। यहाँ पे गीजर भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जाएंगे लंच करने, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं है। वैसे भूख भी बहुत लगा है और टायर्ड भी बहुत है, इसीलिए पहले खा लेते हैं, उसके बाद अपना रूम टूर कराऊंगा आप सबको, और फिर बाकी बातें खाने के बाद। सो फाइनली एट द डाइनिंग हॉल, और यहाँ पे ऑलरेडी खाना शुरू हो भी गया है। आज खाने में जो है वो है अंडा करी है, आलू सब्जी, और ये क्या चटनी जैसा कुछ दाल है, और ये हम है, और ये हम है। बाकी सब पानी कम है। तो चलो फर्स्ट फिनिश द लंच, देन बाकी बातें होंगे। आप सबको यही लग रहा होगा कि अंधेरे में कहाँ बैठे हैं, कहीं नहीं, अपना रूम में ही बैठे हैं। एक्चुअली यहाँ पे लोड शेडिंग हो गया है, जिसके वजह से कैंडल लाइट में बैठे हैं। चलो ये भी कुछ कैंडल लाइट टिफिन कर रहे हैं। और ये रहा हम लोग का टिफिन। मोमो, तो यहाँ पे बैठ के मोमोज खा रहे हैं, और बाहर व्यू का
इन्जॉय ले रहे हैं। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जाएंगे नीचे, नीचे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आने के बाद सिर्फ लंच करने के लिए थोड़ा सा नीचे गए थे और ड्रोन शॉट लेने के लिए गए थे थोड़ा, क्योंकि आसमान क्लियर था और अभी भी आसमान मतलब क्लियर ही है, उतना क्लाउडी नहीं है जैसा कि आप पीछे देख ही पा रहे हैं। मतलब मेरे पीछे जो लाइट दिख रहा है ना आप सबको, वो मतलब टोटली दार्जिलिंग का लाइट है जहाँ पर हम लोग कल जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल चलते हैं नीचे, नीचे जाके देखते हैं कि डिनर में क्या होगा ना होगा। और इतना देर से रूम में ही बैठे हुए थे क्योंकि करंट भी नहीं था और अभी अभी आया है, तो सोचे चलो थोड़ा घूम के ही आते हैं नीचे से। सो लेट्स गो। तो चलिए चलते हैं नीचे। और वो खड़ा रहा मेरा भूम भूम, और यहाँ पे एक अंधेरा है, नहीं दिखेगा। जस्ट लुक एट द व्यू, कैमरे में तो उतना अच्छा आ नहीं रहा है बट का डिनर अभी लग रहा है टेबल पे, यहाँ पे राइस और दाल लग गया है और यहाँ पे बन रहा है बाकी का खाना। The next day. So good morning everyone. Today the next day. और आज हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग और यहाँ पे हम लोग का सब पैकिंग कंप्लीट हो गया है। ये रहा मेरा जैकेट और यहाँ पे रेनकोट पहन के रेडी, मेरा हेलमेट और वो रहा अभयदा बैठा हुआ है। और आज का जो वेदर है वो आप देख ही सकते हैं। वेदर आज का बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है और बारिश भी हो रहा है फिलहाल। और आज हम लोग जाएंगे अभी दार्जिलिंग में, तो हम लोग फुल रेडी हो गए हैं और बाइक भी पूरा पैक्ड अप हो गया है। अभी जा रहे हैं नीचे थोड़ा कॉफ़ी पीने। ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल, ये आपका कॉफ़ी, ये हम लोग का कॉफ़ी और ये अभयदा, ये होम स्टे का केयर टेकर। सो फाइनली वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम निर्वाणा होम स्टे और अभी हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग। तो लेट्स एंजॉय इन दार्जिलिंग।